केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को पहुंचेंगे रीवा, कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में चुनावी बिगुल बजने के बाद अब राजनीतिक दलों के शीर्ष नेतृत्व ने न सिर्फ अपनी कमर कस ली है बल्कि जनादेश को अपने पक्ष में लाने के लिए मैदान में उतर पड़े हैं। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को दोपहर रीवा पहुँच रहे हैं, जिसके लिए प्रशासनिक तैयारियाँ पूर्ण कर ली गयी है। बताया गया है कि केंद्रीय मंत्री 2:50 पर झिरिया स्थित वृंदावन गार्डन पहुँचेंगे और वहाँ रीवा और शहडोल संभाग के कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। इस दौरान वे दोनों संभागों के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, कैसे व्यवस्था रहेगी और कार्यक्रम क्या होने चाहिए? भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कल रीवा पधार रहे हैं। रीवा आने पर वह रीवा और शहडोल संभाग के हमारे अपेक्षित श्रेणी के कार्यकर्ताओं की एक बैठक लेंगे और बैठक उपरांत वापस जाएंगे। इसके अलावा भी कोई कार्यक्रम नहीं, बस सिर्फ कार्यकर्ताओं की, हमारे पदाधिकारियों की बैठक लेंगे और उसके बाद वापस निकल जाएंगे। क्या प्रोग्राम है, कब तक आ सकते हैं, संभावित क्या है, कितने लोगों को? माननीय अमित शाह जी 1:55 पर रीवा पहुंचेंगे, उसके बाद स्थानीय राजनिवास में आधा घंटा रुकने के बाद उसके बाद लगभग 2:30 यहाँ कार्यक्रम स्थल में आएंगे। 1 घंटे 1.25 घंटे की बैठक होगी और बैठक के बाद जाएंगे। बैठक में हमारे रीवा संभाग और शहडोल संभाग के सभी 7 जिलों के जिले के अध्यक्ष, जिले के प्रभारी, हमारे विधानसभा के संयोजक, विधानसभा के प्रभारी, हमारे चुनाव के 7 जिलों के संयोजक, हमारे विस्तारक, इस श्रेणी के कार्यकर्ता जो अपेक्षित है, उसमें अपेक्षित श्रेणी के ही कार्यकर्ता रहने वाले हैं। इसके अलावा और कोई भी नेता आने वाले हैं? हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय हितानंद शर्मा जी, हमारे प्रदेश के चुनाव प्रभारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, और साथ ही हमारे देश के रेल मंत्री और हमारे मध्य प्रदेश चुनाव के सह प्रभारी अश्विनी वैष्णव जी भी साथ में रहने वाले हैं। उनका भी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अब हम जान रहे हैं चुनाव का समय है, चुनावी समर है, कार्यकर्ताओं को उनके द्वारा आवश्यक चुनाव में करने वाले कार्यों आवश्यक दिशा निर्देश और मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि हम चुनाव के समय और आज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत पूरे देश के लिए, पूरी प्रदेश के लिए, पूरे जिले के जनता के लिए क्यों आवश्यक है, भारतीय जनता पार्टी ही क्यों आवश्यक है, इन्हीं सारे विषयों पर चर्चा होगी, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। द खबरदार से विजय तिवारी की रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।